एवरीवन, ललिता भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ जैक फ्रूट यानी कि कटहल की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने 1/2 kg लिया है कटहल। मैं इसे बाजार से ही कटवा के ले आई थी। और अगर आप इसे घर में कटिंग करते हैं तो अपने हाथ में मस्टर्ड ऑयल लगा के और फिर अपने मनपसंद साइज में इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने लिए हैं 4 प्याज और उसको इस तरह से मैंने पीसीस में कट कर लिया है। 4 ही लिए हैं मैंने छोटे साइज के टमाटर, उन्हें मैंने इस तरह से प्यूरी बना लिया है। और ये देखिए, मसालों में मैंने अदरक और लहसुन को इस तरह से क्रश कर लिया है। सूखे मसालों में मैंने लिया है हींग, 1 तेज़पत्ता और ज़ीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर। और ये देखिए, 1 ली है मैंने लाल सूखी मिर्च, छोटा टुकड़ा लिया है दालचीनी का, 1 लिए मैंने मोटी इलायची और 1 छोटी इलायची, 2 लौंग लिए हैं और 4-5 लिए मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा रफली चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो ये देखिए, एक पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लिया है और इसमें अब हम अपने कटहल को डीप फ्राई करेंगे। और इस टाइम मैं इसमें डालूंगी हल्का सा हल्दी और इसको अब हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। बाकी हम मसालों के साथ इसे पकाएंगे। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, अब उसी ऑयल में से मैंने थोड़ा सा ऑयल एक दूसरी कढ़ाई में लिया है और इस टाइम डालेंगे हम इसमें तेज पत्ता और ये मसाले, जीरा, इनको अब हम भून लेंगे। इसी टाइम डाल देंगे इसमें हम हींग। और ये कटे हुए प्याज, और प्याज को हम अच्छे से पिंक होने तक पका लेंगे। इसी टाइम इसमें हम डाल देंगे ये लाल सूखी मिर्च और अदरक और लहसुन, इनको भी हम प्याज के साथ ही भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज भी हमारा भून चुका है और इस टाइम अब हम डालेंगे टमाटर। इसी के साथ साथ इसमें जाएगा नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा जाएगा इसमें पानी ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। और इसको हम ढक के पका लेंगे। तो ये देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है और मसालों ने तेल भी रिलीज कर दिया है। तो इसको मैं कुछ सेकंड के लिए और भूनूंगी ऐसे ही बिना ढके। तो ये देखिए, अब इस टाइम जाएगा इसमें कसूरी मेथी और इसको भी हम भून लेंगे इसके साथ। तो मसाला तैयार है हमारा और अब जाएगा इसके अंदर हमारा फ्राई किया हुआ कटहल। और इसको अब हम मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे।
है, ये देखिए अब जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि हम सूखी सब्जी बना रहे हैं, तो हल्का सा पानी डालने से जो मसाले हैं वो कटहल के साथ अच्छे से निपट जाएंगे। और अब हमें इसे ढक के पकाना है सॉफ्ट होने तक। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है। और इस टाइम अब हम इसमें डाल देते हैं ये गरम मसाला और हरा धनिया, इसको कर लेते हैं मिक्स। और इसमें से अब हम ये तेज पत्ता निकाल देंगे। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटहल की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे अपनी मनपसंद रोटी, पूड़ी, परांठा इसके साथ खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और इसके साथ साथ कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।